आज हम बनाने वाले स्वादिष्ट बाजार जैसी लॉलीपॉप घर पे बिना किसी मोल्ड की मदद के। ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेपर कप ले लिया, इस तरीके का छोटा सा कप। इस तरीके से हम इसे सीजर्स की मदद से कट कर देंगे और छोटे हिस्सों में कट कर लेंगे। फिर हम किसी तीखी नुकीली चीज़ की मदद से इसके अंदर इस तरीके से थोड़ा बड़ा छेद कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 8 पेपर कप्स तैयार कर दिए इस तरीके से। फिर हम इस तरीके कोई बड़ी टूथपिक या कोई वुडन स्टिक ले लीजिएगा, इसे इस तरीके से तोड़ दीजिएगा। चाहे तो नॉर्मल टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं या लॉलीपॉप स्टिक अवेलेबल हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसे इन पेपर होल्स के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। फिर हम एक कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल देंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप पानी और इसे एकदम धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से पानी के साथ घुल मिल नहीं जाती। उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट या गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फिर हम गैस को जो है बंद कर देंगे, लेकिन हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है। हम इसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर जैसे आप चाहे वैसे कलर या फ्लेवर्स डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, थोड़ा फटाफट कीजिएगा। और हमने जो मोल्ड तैयार किया इसे उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। और आप जैसे चाहे वैसे कलर्स और फ्लेवर्स डाल सकते हैं इसमें और इसे 2 से 3 घंटे के लिए फैन के नीचे ठंडा होने दीजिएगा, फ्रिज में मत रखिएगा इसे। और फिर उसके बाद हम इस तरीके से देखिए पेपर को फाड़ के इसे आसानी से डीमोल्ड कर सकते हैं और लीजिए हमारी स्वादिष्ट बाजार जैसी लॉलीपॉप तैयार है।